ஊத்தாரம் ரொம்ப சித்தாரம் ரொம்ப வாரியாரம் ரொம்ப ஜாயாரம் ரொம்ப ரோயை சொகசாகும் சுத்தாத்மான்மலை காந்தம் சாதுமுத்தம் மங்களம் வந்தி சந்திர தர்சம் சந்திர பிரகாஷ்கம் மங்களம் பகவான் வீரு மங்களம் கௌசம் கணி மங்களம் குந்த குந்தாத்தியோசேந்தோசம் மங்களம் सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयसुशासनं दशरक्षण बन्धो सदा मनवांचफलदार कहाँ आरती भारती हम पर हो सहार उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहर शत्रु न कोई। इधर से पढ़ो, अंतर बाहर शत्रु न कोई उत्तम क्षमाया। अंतरंग के शत्रु और बहिरंग के शत्रु, कोई शत्रु दिखाई ही नहीं दे रहा। दुर्जन के प्रति माध्य स्वभाव, अरे दुर्जन दिखाई नहीं देना यही माध्य स्वभाव। कोई दुर्जन है ही नहीं, बदा भगवान छे। हमारे प्रति जो व्यवहार है वो तो हमारे उदय का कार्य है, वो भिन्न है उससे, न उसका मतलब है न हमारा कोई मतलब है। दुर्जन किसी को देख रही, दृष्टि बदलना पहले। दृष्टि बदलेगी तब परिणति बदल सकेगी। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक परिणति ठीक है। कसाय की थोड़ी बहुत मंदता हो जाना अलग बात है, कसाय का अभाव होना अलग बात है। थोड़ी कसाय की मंदता हो जाएगी, लोग धर्मात्मा कह देंगे तुम भी धर्मात्मा मान लोगे, लोग ज्ञानी कह देंगे तुम भी अपने ज्ञानी मान लोगे। जहां कितना विचार करो, कोलू का बैल कितना चलता है दिन भर, और पहुंचता कहां है, क्या कहीं नहीं। क्यों कि आंखों पर पट्टी बंधी है और घेरे में घूम रहा है। हमारी आंखों पर भी अज्ञान की पट्टी नहीं बनी, और पंच इंद्रिय के विषयों में घेरे में नहीं घूम रहे हम। अभी तो पता ही नहीं है पंच इंद्रिय विषय क्या है, बस एक आध बस सोच लिया बस खत्म मामला। हमारा वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर है। जो पंडित जी ने सदा सुखदास जी ने उत्तम शौच धर्म के प्रसंग में लिखा है कि 50 वर्ष हो गए और तो भी जिनवाणी का रहस्य समझ में नहीं आता। पढ़ते हैं सुनते हैं, टोटर मलि से पूछो तो क्या कहेंगे, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है सुनता है, मानो किसी और ही की बातें करता है। उसका संबंध ही अपने से नहीं जुड़ा, उसका कारण क्या है कि हम पढ़े हुए जी का विचार नहीं करते। देखो तर्क दर्शन का मूल है, तो विचार आचार का मूल है। विचार में आए तो आचरण में आएगा, विचार में नहीं होगा तो आचरण में गए। भैया बोले सवेरे खूब प्रेरणा करी निवृत्ति, अरे प्रेरणा करने से क्या होगा, विचार करोगे तो अब सांची बातचीत होगी। जब तक विचार नहीं करोगे तो अब तक सांची बातचीत होगी कैसी, वैसे ही हाँ कर दोगी, हाँ अच्छी अच्छा अच्छा बस। टोटरमल जी ने आपसे प्रश्न किया है तीसरे अधिकार के अंत में, ये तुम्हारे ऊपर संसार के दुख जो हमने कहे हैं वे बीते हैं या नहीं, विचार करके देखो तुम, वैसे ही मत कर। तुम जो दुख दूर करने के उपाय करती हो
धन कमाती हो, मकान बनाती हो, अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहती हो, बस आभूषणों से अपने को सजाओगे, हर इच्छा को पूरा करना हमारी बहुत मन है, मन की मति मत चलो, मन को मारो भाई, कोई जरूरत नहीं आपको लगे काय के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अरे ध्यान रखो, अपने मन को समझाओ, संबोधन करो, फूटा घड़ा कभी भरता नहीं है। नगर को सप्लाई करने वाली टंकी तो भर जाएगी, लेकिन फूटा घड़ा नहीं भर सकती आप, नीचे निकल जाएगा। कण कण करके अपनी भूख मिटानी चाहे तो कैसी मिटे, अरे कण कण इकट्ठा हो तब न, वो तो सोचा कुछ हो गया हो कुछ, उस द्रव्य का परिणमन सोचो कम से कम, ये थोड़ी सोचो कि हम कर देंगे। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता होता तो अज्ञानी और ज्ञानी में से कोई सुखी नहीं हो पाता, लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। वे अपने सुख का वेदन करना चाहे तो मैं दुखी कर दोगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता होगा तो। लेकिन घोर उपसर्ग भी हमारे मुनीश्वरों को, योगीश्वरों को दुखी नहीं कर पाए, क्यों? अभी 22 परिचय का पाठ कर रहे थे आप लोग, सोच रहे थे हम भी बैठे बैठे 22 परिचय ये क्यों नहीं खेद उत्पन्न करते, अमृतचंद स्वामी से पूछो। अरे भाई बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आती, माँ से पूछता है, पूछता कि नहीं ये क्या है, ये कौन है। लेकिन जैसी जिज्ञासा, जी क्या है ये कौन है, ऐसी जिज्ञासा एक बार हो जाए, मैं कौन हूं, अपने को तो माने बैठा है, बस हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, हम जैनी हैं, हम श्रावक हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, तमाम उत्तर है, लेकिन तमाम उत्तर गलत हैं, सही नहीं उत्तर। इसके आगे पीछे भी तो कुछ सोचो, ये 22 परिचय क्यों खेद उत्पन्न नहीं करते। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, निसंकय सत्यम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति, अपने ज्ञान का वेदन करती हैं, इसलिए ये भय उत्पन्न नहीं करती। भय यहाँ कहें तो ये ज्ञान का वेदन करते हैं, इसलिए परिचय खेद उत्पन्न नहीं करते। आपको धूप नहीं लग रही, इतनी धूप है, ये छत रोक रही है। आपका ज्ञान मात्र स्वभाव है, उसके भीतर प्रवेश नहीं होता। निसंकय सत्यम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति, वह अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप जानता है, ज्ञान मात्र जानता है, ज्ञानमय जानता है। तीन दफे कह रही, ज्ञानमय माने ज्ञान के साथ अभिन्न, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, मिश्री मिष्ठान से मीठी अलग है, मिष्ठान मीठा होना और मिश्री मीठी होना अलग बात है। कभी पढ़ा है आत्मा वो क्या नाम, अग्नि में पानी की उष्णता और अग्नि की उष्णता दोनों में अंतर है कि नहीं? पानी की उष्णता को शास्त्रीय भाषा में संयुक्त कहा, अग्नि की उष्णता को मह तन्मय, अभेद तादात्म कहा उसे। अग्नि की उष्णता घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी, किसी और से नहीं है, लेकिन पानी अग्नि के संसर्ग से उष्ण हुआ है। समय सारजी में टीका में क्या सुंदर व्याख्या की है, देखो
अग्नि में पानी में जो उष्णता है वह अग्नि की है, इसलिए पानी का स्वभाव तो। अरे सिंह को क्रूरता है, उस समय भी उसका स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अगर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नहीं होता, क्रूरता का अभाव करके सम्यक दर्शन महावीर स्वामी से कैसे किया? किसी का स्वभाव नहीं जो दिखाई दे रहा है, ये अगर स्वभाव मान लिया जाए वो तो हमारी आदत पड़ेगी क्रोध करने की, स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं है। आप महाक्षमावान हो सकते हैं लेकिन आत्मा को समझें तो, ज्ञानाभ्यास करें तो। ये मत सोचो एक कोयले का दाग है मिट सकता है, लेकिन दर्पण घिसने से नहीं, चेहरा धोने से। चेहरे पर जो दाग है वो किस में दिखाई दे रहा? दर्पण में। लेकिन दर्पण घिसने से वो दाग नहीं मिटेगा, चेहरा धोने से मिटेगा। जिनवाणी में संशोधन मत करो, जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन में संशोधन करो, अपनी श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में संशोधन करो, अपने को स्थितिकरण करो, संबोधन करो। भू आत्मन ये अच्छी बात नहीं, क्या कर रहे तुम? कहो से मत कहो, कैसी बैठी हो ये मत, उससे मत कहो, अपने से कहो कैसी बैठी हो। अब भगवान कैसे बैठे हो तुम? भगवान होने के मार्ग पर चल रहे हो और ऐसी बैठी हो आलस में, परमादी होकर ही। अपने को संबोधन करो, अपने को मां जैसी बेटे को टोंकती है, कल कहा था ऐसी, अपने को टोंको, अपने से पूछो कल क्या पढ़ा था, हम क्या सुन करके आए, यही सुन के आए हैं कि पर को अनिष्ट मानो और दुख का भेदन करो। अरे पर को अनिष्ट मान करके दुख का भेदन करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपने को जानते हुए अपने आनंद में तृप्त रहना ये ज्ञान का स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं पर को अपना माने और दुखी हो। अपने को आत्मा समझे और आनंद का वेदन करे, ये स्वभाव है तुम्हारा। स्वभाव एक क्षण भूलने लायक नहीं है, और संयोग में क्या आता है, क्या जाता है, क्या होता है, क्या भूल जाओ सब बातें। एक और कठिन भी नहीं है ये बात, हम ये आपसे पूछते हैं, जब मंदिर में आकर के घर को नहीं भूलते, घर में जाकर के मंदिर की बातें भूल जाते हो, ये क्या है? अगर भूलने की तुम्हारी स्वभाव हो तो घर पर मंदिर की बातें भूल जाते हैं, घर पर यहां भी भूल जाओ, हम व्यापारी हैं, हम सेठ हैं, हमारे पास पैसा है, हमारा कौन क्या कर लेगा, हमारा बड़ा प्रभाव है, भूल जाओ ये सब बातें। ये सब कर्म के उदय के खेल हैं, कर्म जनित परिणाम है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विकृति है, स्वभाव नहीं। जिनवाणी में संशोधन नहीं करना है, जिनवाणी को पढ़कर के सुनकर के अपने परिणति में संशोधन करना है। हमने अपने को मान लिया है सो हम नहीं है, जो हमारे भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है, वह ज्ञायक भाव हमें, हमने अपने को क्या मान लिया है कुछ समझ में नहीं आया। हमें तो टूटामल जी की बात याद आता है, बाबले की भांत वक है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है हम सेठ हैं, अब कहता है हमारे पास का है।
देखो भाई, अपने से बड़े लोगों की ओर देखोगे तो दीनता आएगी, अपने से छोटे की ओर देखोगे तो अभिमान आएगा, मादा धर्म नहीं प्रकट होगा, अपनी ओर देखोगे तो मादा प्रकट होगा। अगर बड़े की ओर देखोगे तो दीनता आएगी, हमारा मकान छोटो है इनको बड़ो है, हमारा हार असली सोने का है इनका और हमारा नकली सोने का, या हमारी गर्दन सूनी है। कभी तुमने ये सोचा हार के बिना गर्दन सूनी है, कंगनों के बिना हाथ सूने हैं, अंगूठी के बिना उंगलियां सूनी हैं और स्वानुभव के बिना तो सारा जीवन सूना है। कभी सोचा, विचार किया? पर्यार्थिक नहीं की बात है, स्वभाव कभी सूना होता ही नहीं, स्वभाव में सदाकाल अनंत गुण होते ही हैं। ये तो परिणति की बात है, परिणति सूनी है, लेकिन हम भी कहेंगे सूनी है, लेकिन तुम्हारी बच्चे के बिना गोद सूनी नहीं है, तुम्हारी स्वानुभव के बिना परिणति सूनी। और एक बात और कह दें, स्वानुभवती हो गए तो बच्चे की धन की चाह ही उत्पन्न नहीं होगी। बड़ी गागा करके पढ़ेंगे, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, और क्या करें हम पर पैसा नहीं। एक बात क्या करें, भेद ज्ञान करो, ये पैसा जिसके अभाव में तुम अपने को दीन भिखारी मान रहे हो, वह पैसा आत्मा का वैभव ही नहीं है। आपको याद होगा, फिर दोहराओ, दरिद्र वह नहीं है जिसके पास वैभव नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है। हमारा वैभव क्या, उसी को वैभव मान लिया पुद्गल के, जिसको पंडित बनारसी दास जी ने खे का खजाना कहा। और खराब भाषा आप सुनो तो क्या कहें हम, जासों केतु संपदा हमारी सो तो साधन अरारी जैसे न छिनकी मारी, तो ना कोई छिनक देता, साधुओं ने ऐसे विभूति छोड़ के चले गए। तुम जिसको अपनी विभूति कह रहे हो, जिनको तुम जाने तुच्छ जान, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, जिनको तुच्छ जान करके, भिन्न जान करके, पर जान करके छोड़ दिया है, उन्हें मानते हो तुम महान, उनसे अपनी शोभा मान रहे हो। क्यों भैया, चश्मा से ये आंखों की तुम्हारी शोभा है? शोभा वाले लड़के अलग होते हैं, वो सोने का सुनहरी फ्रेम और बहुत स्कूटर लगाया और बस ये समझते जाने हम क्या हो रहे। अब तुम का शोभा करोगे, ये चश्मा अच्छा लगता है? सच बताओ, क्या पराधीनता है? विषयों का होना हमारी पराधीनता का सुजोतक है कि हमारी शोभा है? हम घर में रह रहे ये हमारी शोभा है कि हमारा कलंक है? ये कलंक को प्रसिद्ध कर रहा है। महावीरष्टक में लिखा, अताम्रम यच्चु कमलिगुलम स्पंद रहितम जनान कोपा पायम प्रकटयत बाभ्यंतरमपि। क्या अर्थ है? जगत के जीवों को आपकी जो साम्य मुद्रा, सौम्य मुद्रा है, वह अंतर के क्रोधादि के अभाव को प्रकट कर रही है। अपनी शकल मिला के देखो पहले, ये आपकी शोभा, ये जो शकल है वो विकार को प्रकट कर रही है, आपके भीतर विकारी है। चश्मा सौकेल नहीं लगो, आंखें कमजोर ये प्रकट कर रही हैं, इनकी आंखें कमजोर हैं। कोई अच्छी बात नहीं है,
नहीं आंखें तो हमारी सोचते हैं हम चश्मा लगाए जी, कोई बात नहीं। अब तुम जबरन चश्मा लगी आंखों को भी स्वस्थ मानो तो हम क्या करें, इंद्री सुखो सुख मानो तो हम क्या कर लें। चश्मा लगी आंख स्वस्थ तो नहीं है, कमजोर होगी, अस्वस्थ होगी, कुछ न कुछ तो होगा। अरे एक युवा पुरुष भी अगर डंडा देकर चलने लगे तो कहने लगोगे क्या बात है, का गिर गए का चोट लग गई, बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे। हाथ में डंडा इस बात का प्रतीक है कि टांगे कमजोर हुई हैं, टांगे अस्वस्थ हुई। तुम्हें ये नहीं लगता हमारे पास ये परिग्रह है, ये कोई हमारी शोभा नहीं है, ये कलंक का प्रतीक है। भगवान के नेत्रों में लालिमा और चमक क्यों नहीं है, ऐसी टिमकार रहित क्यों है, निर्निमेश नेत्र क्यों है, पलक क्यों नहीं झपते। अरे उपयोग झपके तो पलक झपके, उपयोग नहीं झपकता अंतर में तो बाहर पलक कौन झपका है। विचार करो, जैसे तुमने अपना स्वभाव मान लिया है वह स्वभाव नहीं है भाई। अपने स्वभाव को पहचानो, पर को अपना स्वभाव मत मानो। अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी अपने एकत्व को पहचान लिया है। एकत्व निश्चय गत्व में सर्वत्र सुंदर लोक में पहचानदा है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, थे थोड़ी ये समझ खोटी है। भजनकार कहते ऐसी समझ के देर धूल, ऐसी समझ को समझ कहते हो तुम, ऐसी समझ के सिर धूल। जो समझ होते हुए हम समझते समय क्या समझते हो, ये बहुत कसाय है भगवान है। अरे ये भगवान है ये नहीं समझते तुम, ये संगी पंचेंद्री ये नहीं समझते, ये हमारा साधर्मी कुछ भी नहीं समझते, न द्रव्य की खबर न पर्याय की खबर, और हम समझते हैं। तुम्हें समझ का भ्रम हुआ है, ऐसी समझ को समझ नहीं कहते जो पर की ओर देखे। हम समझते हैं कहा समझते हो, बस बहुत भीड़ है हमारी। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, अपने राग से जिनवाणी के धर्मानुराग से आकर के बैठे। किसी को अगर वेदना हो जाए तो उठ जाएगा कि नहीं, इसी समय तो तुम्हारे लिए कहां है, तुम कहां उठे। ये संयोग का काल पूरा होगा, आयु पूरी होगी, उदय पूरा होगा, चला जाएगा कि नहीं, तुमने अपना कैसे मान लिया। तुम जाओगे तुमसे पूछ के जाओगे, वह तुमसे पूछ करके नहीं आएगा, वो चला जाएगा। सो रहे आप करार माफ अधिक राखे ना रहे, एग्रीमेंट है उसका आपके भावों के साथ, लेकिन आपके भावों के साथ नहीं, आपके साथ नहीं, विभावों के साथ है। समझ गए, आपके साथ या आपके भावों के साथ हो तो सिद्धालय में भी रहना चाहिए। आपके विभावों के साथ है, मतलब धर्म को बिना धर्मी के समझ लोगे, क्षमा धर्म को बिना धर्मी के समझ लोगे। फिर आपसे कह रही है इन धर्मों का संबंध पर के साथ नहीं है, पर साधक भी नहीं है, पर बाधक भी नहीं है, इन धर्मों का संबंध धर्मी के साथ है। देखो ये सूर्य का प्रकाश होता है और एक जगह अंधकार होता है, अंधकार का कारण भी कोई दीवार नहीं है,
सूर्य का जहां किरण नहीं पहुंची वहां अंधकार है, और सूर्य का किरण जहां पहुंची है वहां प्रकाश है। माने अंधकार का संबंध भी सूर्य के साथ है क्या? जहां सूर्य का अनुदय है, सूर्य नहीं निकला है, किरण नहीं पहुंची है, वहां अंधकार। दीवार आ गई बीच में, यहां किरण नहीं पहुंची, अंधकार, वहां प्रकाश। प्रकाश का कारण तो सूर्य है ही, अंधकार का कारण भी अगर हम कहें तो सूर्य को ही कहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अंधकार का कारण सूर्य का अनुदय है और प्रकाश का कारण सूर्य का उदय। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंची वहां भौतिक अंधकार होता है, और जहां जिनवाणी की किरण नहीं पहुंचेगी तो मोह का अंधकार नहीं होगा। क्रोध मन माया लोभ का अंधकार नहीं होगा। कोई बात नहीं, शास्त्रीय भाषा साहित्यिक भाषा मत समझो, अपनी भाषा में आप समझ लो। ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, बहमान नहीं होगा। कोई कहे हमें ज्ञान भी नहीं, हमें मन भी नहीं है, बिल्कुल झूठ बोला है। पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता, वृत्ति रहित वृत्तमान नहीं होता। पर्याय तो होगी, जहां ज्ञान नहीं होगा बहमान होगा। जहां ज्ञान नहीं होगा बहमान होगा ही होगा। शास्त्रीय भाषा में कहें तो उत्पाद व्यय पूर्वक होता है, व्यय उत्पाद पूर्वक होता है। तुम सोचो, ज्ञान भी नहीं मन भी नहीं, ऐसा कैसे होगा? ज्ञान का आविर्भाव होगा तो मन झूठा लगेगा, और झूठा लगेगा तो छूट जाएगा, और माने ही नहीं अकेला, सारी कसाएं। मन से पहले मोह छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, मन भी छूट जाएगा। आपको आश्चर्य होता है, जिन्होंने अपनी विभूति देखी है उन्हें छह खंड का वैभव भी मिल जाए तो अनंतानंदी ईमान नहीं होता, और जिन्होंने अपनी विभूति नहीं देखी उन्हें कछु मिल जाए, हम कछु हैं, इन पे कछु नहीं है। हम तो गए थे उनके घरे कछु नहीं दो, का नहीं दो के टीवी नहीं थी रंगीन, फ्रिज नहीं तो, कूलर नहीं तो। अरे जी, तो विषय के विकार हैं, ये नहीं है, नहीं होना ये शोभा है। हमारे नगर में सिनेमा घर नहीं है, हमारे घर नगर में शराब का ठेका नहीं है, हमारे नगर में जुआ का अड्डा नहीं है। ये नगर की विशेषताएं हैं कि कलंक हैं? ये कोई अभाव है? हमारे जीवन में दुख नहीं है? अरे दुख नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं? खड़े हो जा, जेब टटोलो, देखो कोई दवा धरी है क्या? नहीं है। ये सो ये कोई अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे हम कौन बीमार हैं? बीमार आदमी दवा जेब में रख करके चलेगा, जब दवाइयों का ढेर नहीं है और बीमारी भी नहीं है, बिना चूर्ण के पेट साफ हो रहा, क्या जरूरत है? बिना चूर्ण के पेट साफ होता है, चूर्ण वाले को आश्चर्य लगता है कि हम चूर्ण खाते हो पेट नहीं साफ होता। अरे तुम्हारा मन साफ नहीं है इसलिए पेट साफ नहीं होता। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, अगर मन साफ होगा, मन में बेकारी भाव ये नहीं आएंगे। सच बता रहे, चूर्ण की जरूरत नहीं है। बिना चूर्ण के पेट साफ होने वाले भी हैं कि नहीं है? तो बिना विषयों के सुखी होने वाले भी हैं कि नहीं है? बिना विषयों के, बिना परिग्रह के सिद्ध भगवान को देखो, कहां से सुख आ गया, कैसे सुख हुई है भी? तुमसे तो ज्यादा ही सुखी है। बेसिद्ध भगवान बिना विषयों के सुखी हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं अगर आत्मा की आराधना करें तो।
आत्मा की आराधना विराधना करके कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। विषयों को पाकर के भी सुखी नहीं हो गए, विषयों को भोग करके भी सुखी नहीं हो गए। पंडित भूदर दास जी ने जैन शतक में लिखा, हे भैया, अगर चार दिन की भोगने की तुम्हें शक्ति भी हो गई, अवसर भी मिल गया, योग्यता भी बन गई, तो दुर्गति में जाकर के पछताओगे और कुछ नहीं हो। जो दिन चार को द्योत बनो, त्यों पर दुर्गति में पछताए, या हित यार सल गई, या हित यार सदा यही के गई कर जाओ निभा नहीं। इन भोगों के त्यागे बिना काम नहीं चलेगा, और भोगों के त्याग के लिए भोगों में सुख बुद्धि का त्याग होना चाहिए पहले। अगर भोगों में सुख बुद्धि का त्याग नहीं हुआ और भोगों का त्याग हुआ तो दुखी हो गए, और भोगों में सुख बुद्धि का त्याग हो गया भोग और भोगों का त्याग होगा कुछ नहीं, आनंद। तुम्हारे चबूतरे पर एक मट्टी का ढेर लगा था कचरे का, समझ गए, उठा करके फेंकते रहे तो एक ढेर हो गया। एक दिन क्या हुआ, आप सो रहे थे भीतर और चबूतरे का कूड़ा भर ले गया कोई, आपको कोई तकलीफ? हम पैसा दे के भरवाते फेंकते, वो खुद ही भर के ले गया। हम कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं, जिस कर्म की, उन कर्मों की अपने आप निर्जरा हो जाए तो लेकिन जिसे कूड़ा काम का लगता है, खाद बनानी है, वो कहेगा हमारा कूड़ा कहाँ गया, वो लड़ने को तैयार हो गया पड़ोसी, हमारा कूड़ा कहाँ गया। लेकिन विवेकी जन कहेंगे कूड़ा ही तो है, कौन सोनो है। अगर चोर घर में घुस भी गया और सोना चांदी कुछ भी नहीं ले जा गया, केवल रुपया पैसा नहीं ले गया, ने कहा मट्टी कूड़ उठा ले गो, तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा। विचार करो, हमारा दुर्वेदन हमारे विभाव परिणाम के कारण होता है, दुर्वेदन पर का कारण नहीं होता। शास्त्रीय भाषा कहो, जितने भी प्रभाव हैं उनका कारण परद्रव्य है, लेकिन परद्रव्य के कारण प्रभाव नहीं होते। किसी परद्रव्य के कारण प्रभाव होते हैं। कल कहा था गाली के बिना क्रोध नहीं होता, और गाली से क्रोध नहीं होता। अब आप शांत बैठे हो, कौन क्रोध कर रहा है। ऐसे ही प्रशंसा के बिना मान नहीं होता, और प्रशंसा से मान नहीं होता। इंद्रादिक चक्रवर्ती भी समोषण में ऐसे खड़े हैं, चमट डोरा हैं, हाथ जोड़े हैं, और मान बिल्कुल नहीं है। चक्रवर्ती आकर के वंदना कर रहा है, मान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं माने, कम से कम अवृत दशा में भी अनंतानंदी मान नहीं होता। आप समझते हैं अनंतानंदी मान को। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं ऐसा मान नहीं होता कि गुरुजनों को भी नहीं गिने। ये तो पुराने जमाने की बात है, शास्त्र में देखिए, तब बिजली नहीं थी, तास रात में नहीं खाते, अब तो बिजली है। अरे भगवान, बिजली का प्रकाश बैक्टीरिया को खींचता है, सूर्य का प्रकाश बैक्टीरिया को खत्म दूर कर रहा है। रात्रि भोजन का संबंध तुमने बिजली से कहां से जोड़ लिया, कहता बिजली नहीं थी, अब बिजली नहीं है। याद रखना, ये उत्तम क्षमाधिक धर्म या धर्म का कोई भी अंश देखो, आप कोई भी पढ़ चाहिए हो, चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे करो, एक शास्त्रीय भाषा बोल रहे हम,
सार्वकालिक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वकालिक सार्वभौमिक है। क्रोध किसको दुखदाई नहीं है, क्रोध कब दुखदाई नहीं है, रात को कि दिन को? क्रोध कब दुखदाई नहीं, चौथे काल में पांचवे काल में? क्रोध कहां दुखदाई नहीं है और क्रोध कितना दुखदाई नहीं है? अरे ज्ञानी के भी जितने अंशों में क्रोधाधिक भाव है उतने दुख है, इसीलिए चौथे गुण स्थान में वैसा आनंद नहीं होता जैसा छठवें सातवें होता है। कैसा होता है छठवें सातवें आनंद, हम नहीं बता पाएंगे, वे तो वो ही जाने। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में उनके आनंद का वर्णन किया, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के, बस इतनी कह पाए, ज्यादा नहीं कह पाए। पिन अकथ जो आनंद लो, अकथ 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 माने जिसको कहा नहीं जा सके, जिसका कथन नहीं हो सके, कथनों में नहीं आवे। अरे कथन में नहीं आता, चिंतन में नहीं आता, अनुभव में आता है। विचार करो, आनंद का विवरण है, तुम्हें क्यों नहीं है? भारत के नागरिक होकर के ये सोचो, भारत हम विधायक नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाओगे? लेकिन चुनाव जीतना पड़ेगा तुम्हें। एक व्यवस्था है, उसको जीतना पड़ेगा तुम्हें। यहां भी आपको मोह को जीतना पड़ेगा, और पड़ेगा माने कोई ताकत नहीं लगानी है, कोई पहलवानी नहीं करनी है। अंधकार को प्रकाश की एक किरण भगा देती है। अमृतचंद स्वामी ने कल सिखा, विपुल महान चंचल विकल्पों की तरंगों को जिसका एक भुरिंगा ही काफी है। एक बार क्या हुआ, गुजरात में अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। गुजरात में जो तुम्हारे यहाँ पाटिया बोलते हैं, भाट बोलते, चारण बोलते हैं, जो तुम्हारी बोल सब लिखता रहता है, बोलता रहता है, तुम्हारी प्रशंसा गाता रहता है, गीत बनाता है, चारण भाट पाटिया जहाँ जो बोलते हो, तो वो वहाँ पाटिया था, और वो पाटिया बाणियों का था, जैनों का था। तो कहता था पहले था पीछे बाता, अरे तुम पहले कमाई यहां भाई के खजाने में, भाई राजा के बादशाह के खजाने में तो बाद में धन पहुंचता है, पहले साग की दुकान पे आता है, पहले था पीछे बाता। बादशाह ने बुलाया चारण को, क्या कहते हो? क्या हजूर सही कहते हैं? बोले सही ऐसे थोड़े ही है, सिद्ध करने पड़े तुम्हें। क्या चाह जब सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। वो चला गया। राजा ने सोचा अकाल पड़ने का समय आया, चलो अब सिद्ध कर ले, कि जाओ अपनी साहब से करो, पहले एक वर्ष को इंतजाम करें, ताके बाद हम करेंगे, पहले साहब पीछे बासा। चारण आया और आकर के पंचायत की ऐसी सभा लगी, साथ से बैठा, बैठ गया। बोले कहो कैसे भूल गया है, कैसे आए पड़े? कैसा बात, हमारी गर्दन कलम होने की नहीं, बात की बात है। हम आपसे कहते हैं जीवन में इस बात का ध्यान रखना, प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाना किसी बात को। अगर कोई नहीं मानता तो हमारी क्या हेटी है, अगर मान लेता तो हमारा क्या बड़प्पन है। इसे
छोटे बड़े की भावना ही मन का आधार है, समानता की भावना ही ज्ञान का आधार है। वेद का आचरण का बात है कि बात यह है, एक वर्ष का अपने को गुजरात का इंतजाम करना है। बोले कछु नहीं हो जाए वो देखेंगे। तो चार छह दस लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कहो भैया कि पांच दिन हमारे लिख ले, दो दिन हमारे लिख ले, एक दिन हमारे लिख ले, इनसे कहा हो रहा हो, एक वर्ष का इंतजाम 365 दिन होती है, चलो बाहर चंदा कर लाए। कछु चंदा करने के लिए ध्यान रखना, धार्मिक कार्यों में चंदा नहीं करो, सहयोग लेना चाहिए। सहयोग की भावना में समानता की भावना, चंदा में ए आए के खड़े हो गए कट्टा ले गए, ये तो लूट मार है, मंदिर बन रहा है, हमारे पूर्वज तुम्हारे पूर्वज तुम्हें मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम, अटाई पे मंदिर वैसे ही बना देती गांव में, चंदा कर भी नहीं जाती। अब अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि हमारा जीवन कृत्रिम हो गया, चंदा के बिना कछु काम ही नहीं। हमने तो बहुत छोटे पर पंच कल्याण देखा था, एक पंच कल्याण एक आदमी कराता था और वो आदमी बांटता था सबको, कोई किताबें बांट रहे हो, कोई लड्डू बांट रहे हो, कोई बीड़ा बांट रहे हो, कोई कछु बांट रहे हो, बांटता था, लेता नहीं था देता था। हमारी संस्कृत लूटो और लुटाओ की नहीं है, दे जियो और जीनो दो। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास आ गया तो डॉक्टर ने लूट लिया, डॉक्टर गए सो शोरूम पे लूट गए, शोरूम वाले ने मजदूर को लूटा, कर्मचारियों ने उन्हें चूना लगा दिया, मालिकों को चोरी कर वो शुरू कर दी, जहां को धन तहां को इतने उतरे होते रहो, संसार का चक्र चलता रहा। भाई जियो और शांति से जियो, शांति की संस्कृति में और जीने दो, ये सूत्र अपनाओ अपने जीवन में। लोग गए, चलो कुछ और करना, साधनियों का सहयोग, चंदा जो कुछ भी तुम्हारी भाषा में गए। गाड़ी पर बैठे बैलगाड़ी होती थी, और तब इतनी बैलगाड़ी नहीं होती जितनी अब गाड़ियां, हर जेब में घड़ी है तो अभी लेट हो रहे हैं, और एक घंटा होता था घड़ी नहीं होती, नगर में मंदिर में मुख्य मुख्य जगह पर घंटी लगी है, घंटी बज रहे हैं और कोई लेट नहीं। चलो प्रचाल को घंटा बजवाओ, सब काम छोड़ के भगे आए प्रचाल देखने लगे। प्रचाल देखने की बात नहीं है, अंदर की भक्ति की बात है। बात तो देखना हार को देखने की है। बैलगाड़ी पर बैठे और चल दिए, एक गांव की ओर से निकली बैलगाड़ी, उसने देखा लड़के ने ये बैलगाड़ी में पांच लोग जा रहे, कहूं जाकर के पहुंच गया, हाथ जोड़कर बोले साहब गांव में शराबों को घर है, कहां जा रहे हो, मौका देव हमें भोजन तो करा दें, मंदिर है चैत्यालय है, दर्शन करो, नहाओ धो अपने और भोजन करो, हम का करें। नहाया धोया भोजन करना ही था तो भोजन भी किया, साधर्मी का वात्सल्य ठुकराना भी नहीं और साधर्मी से अवात्सल्य करना भी नहीं। ठुकराने वाले भी बेकार हैं, तुम बड़े आदमी गरीब का अनादर करने के लिए नहीं हुए हो, तुम ज्ञानी अज्ञानियों का अनादर करने के लिए नहीं हुए हो, अरे तुम सोफे पर बैठो चाहे कहीं बैठो, लेकिन बोरी पर बैठने की आदत डालना,
कहीं बुरा मिल जाए तो नाक बहुत मन सिकुड़ने लगना, कहीं रोटी मिल जाए एक साधर्मी थे त्यागी समझो अब क्या कहें हम, अब तो नहीं है। एक साधर्मी ने कहा दूसरे ने, कक्का भोजन कलियो करे का बनो है, कह रोटी दा, ये रोटी दा तो घर ही खाते हैं तो और का खान चाहते, अपने घर जब रोटी दार खा रहे हो तो अपना घर समझ करके साधर्मी के घर रोटी दार खाने में संकोच क्यों हो रहा है। भोजन कराया उसके बाद हाथ जोड़ करके, साहब हम पूछ सकते आप लोग कहाँ जा रहे हो, अरे ठीक है ऊपर से झोपड़िया देख रहे थे बाखर, जिसको गांव में बाखर बोलते, ऐसे देख रहे थे अटाई देख रहे थे, यहाँ का हो है, ठीक है तुम्हारे भाव अच्छे हैं, नहीं साहब कुछ मौका तो बताओ, ऐसे ऐसे गुजरात के अकाल का इंतजाम करने जा रहे हैं, कछु सहयोग हम कर दें, पिताजी से पूछे आए, पिताजी भी कहीं होंगे। लड़के ने जाकर के पिताजी से कहा पंच लोग निकले हैं गांव गुजरात के इंतजाम के लिए, बोले भैया ऐसो मौका कब मिले वो अपना धन साधर्मी के काम आए, भूखे प्यासियों के काम आए, लिख दे 365। माने लिख दे 365 लड़के ने, पंचों के सामने आए बाहर से देखते हैं तो उसे समझ में नहीं आता ये गरीब सा दिखने वाला आदमी ये 365 दिन का खर्चा कैसे कहाँ से देगा। लेकिन उस लड़के ने कहा हमारे साथ आओ घबराओ नहीं, यहाँ आओ नीचे जा के तलघर में दिख रहे हैं तो हीरा जवाहरत के ऐसे ढेर लगे हैं जैसे गेहूं के देव। ये भी 365। अब वापिस आए कि नहीं आए, सबका चार में लिखा है सर्वक का कर्तव्य है अपन धनाधिक बिगड़ने का खेद न करे, लेकिन साधर्मी का उपकार करने का मौका लगे तो जरूर करे। तुम्हें मालूम है इंदौर वाले सेठ जी से जब कह देते थे मुनीम, अरे तुम्हें का चिंता है हमें पैसा देने जाके पहले के नहीं आए, बोले बड़ी सरलता से कहते थे भैया घर खर्च में डाल दियो और दे दियो, ऐसे बसाओ तो, अरे यहां बसाओगे तब यहां बसेंगे, यहां नहीं बसाओगे तो कैसे बसेंगे। साधर्मी के प्राण लेव मती साधर्मी के प्राण बनो, भौचक्के रह गए बाहर देख करके, जब भीतर देखा तो प्रतीति आ गई ये सतमु सेठ है, गुजरी के लाल ने करे तुम दो, हम भी बाहर से देख रहे आत्मा को मलिन दिखाई दे रहा, भीतर से देखो सुभाव से देखो तो प्रतीति आ जाए कि वास्तव में सिद्ध समान है, लेकिन बाहर से देख रहे हैं अरे भैया यहां का हो। उसे बिठाया गाड़ी पर और ले गए बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह बोले इंतजाम हो गो, अरे का हो गो इंतजाम आप कह रहे हो, हमारा एक साह काफी है, एक साल के लिए एक साह बहुत है, 10 साहों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मंदिर नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते, छोटा बड़ा चेक कैसे तो बना लोगे, मंदिर बनाने को आप ये क्यों सोचते हो बहुत बड़ी एक आयोजन है, मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक मंदिर बनाने हमने की भक्ति।